शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीतामा को लेने ऑल द वे लंका गए थे 3000 किलोमीटर दूर? ऑफ कोर्स इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, डैड आप जाओगे मॉम को बचाने? गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिसे नफरत करता है और जिसे प्यार करता है उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम, वो आपका तूफान है। उस एरिया का इंचार्ज कौन है? शक्ति शेट्टी। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। बहुत मानता है ये सिंघम सर को अपनी। हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था। पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम? उनके कहने पर पहले भी दो बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर तीसरी बार भी घुस जाते हैं। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। अगर रवनी के लिए नहीं आया ना मैं तो सिंघम असली मराठा नहीं। दरवाजा तोड़। ये श्रीलंका का एक लौता मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बनते गए और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है। कलयुग है अपनी कलयुग, इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। अखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराष्ट्र। जब ही देखो हेलीकॉप्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। मन तो करता तेरे को यही ठोक दूं।